तो इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये टॉपिक आपकी आने वाली सही परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र वन अर्थ के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तो इस पर G20 के सभी सदस्य देश सहमत हो गए और अफ्रीकन संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया। तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन। तो याद रखना है किसके कहने पर बना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखा था, तो इसके कारण से अफ्रीकी संघ ये G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। देखिए, अफ्रीकी संघ की बात करें यानी कि अफ्रीकन यूनियन, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजाली ओस्मानी। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। इसका गठन 9 जुलाई 2002 में किया गया था, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में अब कुल सदस्यों की संख्या हो गई है 21, तो आंसर सी होगा। देखिए, G20 अब G20 के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसके अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो G20 में अब 21 सदस्य हो गए हैं, तो इनके बारे में बात करें तो G20 में कुल सदस्यों की संख्या 21 है, जिसमें कि 19 देश हैं और 2 संघ शामिल हैं। 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। तो इन सभी के बारे में बात करें तो G20 के 21 सदस्यों में 2 संघ शामिल हैं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ये नया बना है। देशों की बात करें जिसमें कि 19 देश हैं, तो इनमें भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जिसे पहले तुर्की कहा जाता था, और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो G20 में 21 सदस्य हैं, जिसमें कि 2 संघ और 19 देश शामिल हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नटराज की। तो देखिए, जो भारत मंडपम है, तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है, जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए, जो नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट है, चौड़ाई है 21 फीट और इसका वजन है लगभग 18 टन। देखिए, यह नटराज की प्रतिमा अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी है, जिसमें कि सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और कांसा शामिल हैं। देखिए, इस नटराज की प्रतिमा को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने 6 महीनों में तैयार किया है। तो याद रखना है कि भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई, नटराज की। अगला प्रश्न है, G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे? तो आंसर भी होगा चीन, रूस और स्पेन। तो इन 3 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में नहीं गए हैं। अब क्यों नहीं गए? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो ये इसलिए नहीं गए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, तो इस कारण से नहीं गए। इनके स्थान पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत आए हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये भारत में नहीं आए। इनके स्थान पर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आए हैं। और स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, तो ये कोविड-19 से संक्रमित हो गए, इसलिए भारत नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी, तो आंसर ये होगा। और देखिए, G20 के मुख्यालय या सचिवालय की बात करें तो G20 का कहीं भी मुख्यालय नहीं है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 85%। तो देखिए, G20 देशों की GDP पूरी दुनिया की GDP की लगभग 85% है, क्योंकि G20 में सभी विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। और G20 देशों में जो वैश्विक व्यापार है,
तो वैश्विक व्यापार का G20 में 85% से अधिक व्यापार होता है और G20 में विश्व की लगभग 2/3 आबादी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था, तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में, तो ये इसका 18वां संस्करण था, तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत को ये अध्यक्षता कब से कब तक के लिए दी गई है? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, तो आंसर सी होगा। तो भारत के पास G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली, भारत में। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक किया गया। अब देखिए, इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में तो किया गया, लेकिन किस स्थान पर हुआ है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में किया गया। अब ये जो भारत मंडपम है, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत मंडपम ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। तो यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। देखिए, भारत मंडपम अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इस भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ? तो डेट बतानी कब से कब तक हुआ, तो आंसर ए होगा, 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक। और कहां पर हुआ है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया।